नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। आज 8 अक्टूबर है और आज नामांकन की अंतिम तिथि है। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, दरभंगा का कुशेश्वर स्थान और मुंगेर का तारापुर। अब ऐसे में जो तमाम राजनीतिक दल हैं बिहार में, उनके द्वारा अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ उन क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार भी अब शुरू हो गया है। ऐसे में हर एक पार्टी जो है वो अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारती है, ताकि जो जनता है, जो वोटर्स हैं, जो मतदान करते हैं और विधायक बनाते हैं, वे वोट उन्हें दे सके। इस कड़ी में लोजपा के द्वारा, यानी कि एलजेपी, रामविलास, मैं चिराग पासवान की पार्टी का बात कर रहा हूं, उनके स्टार प्रचारकों का जो लिस्ट है, जो सूची है, वो जारी कर दिया गया है। देखिए, आपको हम बताते हैं, कुल 20 नाम जारी किए गए हैं जो इन 2 विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। 30 अक्टूबर को मतदान होना है और 2 नवंबर को मतदान की गणना होगी, यानी वोट काउंटिंग होगी, और उसी दिन देर शाम तक परिणाम भी सामने आ जाएंगे। चलिए आपको बता देते हैं कि कौन से वे 20 लोग हैं, वे 20 स्टार प्रचारक हैं जो लोजपा की तरफ से तारापुर और कुशेश्वर स्थान में प्रचार करेंगे। सबसे पहला नाम खुद चिराग पासवान का है, जो कि सांसद हैं। फिर राजू तिवारी, जो कि एक्स एमएलए हैं। तीसरा नाम जो है वो संजय पासवान का है। चौथा नाम जो है वो हुलास पांडे का है, जो कि पूर्व एमएलसी रह चुके हैं। पांचवा नाम जो है वो संजय सिंह का है। छठा नाम संजय रविदास का है। सातवां नाम शंकर झा का है। आठवां नाम डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी का है। नौवां नाम श्री प्रणव कुमार का है। दसवां नाम कुंवर असीम खान का है। ग्यारहवां नाम अरविंद सिंह का है। बारहवां नाम डॉक्टर सत्य नंद शर्मा का है। और तेरहवां नाम अजय कुशवाहा का है। चौदहवां नाम सुरेंद्र विवेक का है। पंद्रहवां नाम राकेश रोशन का है। सोलहवां नाम शोभा पासवान का है। सत्रहवां नाम इंदु कश्यप का है। अठारहवां नाम रेणु कुशवाहा का है, जो कि पूर्व सांसद रह चुकी हैं। उन्नीसवां नाम इमाम गजली का है और बीसवां नाम अशरफ अंसारी का है। तो ये वे 20 चेहरे होंगे जो स्टार प्रचारक होंगे लोजपा के रामविलास गुट का, जिनका जो सिंबल है वो हेलीकॉप्टर है। लगातार चिराग पासवान जो है वो चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, छोटे से लेकर बड़े नेता, सभी इन 2 सीटों पर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अब मात्र 20 से 22 दिन रह गई है जब इन दोनों विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। निर्वाचन आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर जो तमाम व्यवस्था है, खासकर कोविड काल में ये मतदान होना है, तो ईवीएम से लेकर और सोशल डिस्टेंसिंग तक का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और इसी बीच जो तमाम पार्टियां हैं उनके द्वारा प्रत्याशियों के प्रचार में मतदान देने के लिए, ताकि जनता उनको मतदान दे सके, इसके लिए मैदान में उतारा जा रहा है। तो ये 20 नाम जो मैंने आपको बताया, ये चिराग पासवान गुट के हैं जो अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें, और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए theindiatop.com पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।